अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह करे आप सब लोग ठीक ठाक हों। अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम है और तकरीबन 11 बज चुके हैं और आज माशाल्लाह से धूप भी निकली हुई है। काफ़ी दिनों के बाद ना आज धूप निकली है। कैमरामैन ज़रा सूरज दिखाओ। माशाल्लाह से आज धूप भी निकली हुई है और हम लोग आए हुए थे पप्पू के घर और पप्पू जो है ना आज इसी वाली शय जो है ना वो बना रही है। हम लोग अपनी ज़बान में तो बोलते हैं उसको शय, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। इलसी वाली चीज़ जो होती है ना वो बना रही है। अभी जो है ना मैं दिखाता हूँ आपको, इलसी वगैरह वहाँ पे ना चूल्हे के ऊपर तैयार हो रही है। तो इसको सबसे पहले तो भून लेंगे कढ़ाई के अंदर। और आज जो है ना माशाल्लाह से धूप भी निकली हुई है और इसकी बनेगी चीज़ शय। और धूप जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, जो हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और ये हमारा बाइक और वो और आदिल और रहमान बैठे हुए हैं। ये तोता है हमसायों का, लेकर इसके साथ खेल रहे हैं, तोते के साथ। तो इसके साथ खेल रहे हैं ये दोनों। तो अभी माल मवेशी भी आज धूप पे खड़ा हुआ है, सुकून महसूस कर रहा है। सबसे पहले तो इसी को भून लेते हैं। और ये जो है ना मशीन लगी है और भैंसों का चारा वगैरह जो है ना काट के हमने यहाँ पे रख दिया था। ये घास पड़ा हुआ है, ये पानी गर्म किया हुआ है। अभी जो है ना इसको ग्राइंड किया जाएगा अच्छे तरीके से और ग्राइंड करके फिर इसे तैयार किया जाएगा। अभी दूसरी जो है ना इसे गर्म कर लेते हैं, भून लेते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा जी, इलसी को जो है ना भून लिया है। भूनने के बाद जो इसको ग्राइंड किया जाएगा अच्छे तरीके से। अभी इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए यहाँ पे रख देंगे और इसे जो है ना ग्राइंड करना। अच्छा, इसे ले करना अभी ग्राइंड करना पड़ेगा जिस तरह से है इलसी। और मोहम्मद आदिल को नहला कर इधर छोड़ दिया, सर्दी लग गई है इसको। अभी जाते हैं जी, चलाते हैं ग्राइंडर और उसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए इसे अभी ग्राइंड किया जा रहा है और बाकी जो है ना मेरे हाथ में पकड़ी हुई है। चलिए ग्राइंड हो चुकी है कुछ। इस तरह से इसे ग्राइंड किया जाएगा ग्राइंड करने। अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूअर्स, ये जो है ना ग्राइंड कर चुके हैं हम लोग इलसी। अभी ले चलते हैं इसको किचन में और इसकी जो है ना हम शय बनाएंगे। कुछ इस तरह से आपने बारीक बिल्कुल कर लेनी है इसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर के साथ। पहले इसको उबाल लेना है हल्का, फिर इसको बारीक उबाल। और इसके बाद जो है ना कन्ने का आटा जो होता है उसको जो है ना 1.5 किलो आपने मिक्स कर लेना है इसके अंदर। उसको भी भून लेना है कढ़ी के अंदर, आग बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि वो जल ना जाए। तो ये चीज़ें बना के फिर आपके साथ मिलते हैं फिर आपको। बाद जो है ना थाल के अंदर, खुले थाल के अंदर रख लेना है, फिर इसे छाना जाएगा। इसी को तो इनको मिक्स करना पड़े।
अभी जो है ना इलसी और आटे को जब मिक्स किया जा रहा है, आटे और इलसी को मिक्स किया जाएगा, उसके बाद जो है ना ये तैयार हो जाएगी। प्यास नहीं बढ़ेगी, उसके बाद जो है ना घर घर जाना। अभी जो है ना ये बड़ा सा पतीला जो है ना ये धोप हो के रख दिया था, धो के ये जो है ना 1 किलो शाहबाज आप जितना चाहे यूज कर सकते हैं। जो वहां से धोए लो पड़े रे जो मेरे वहां तो पका दो पक भी जो है ना पतीले को चाल रहे हैं, ऊपर घी गरम होगा उसके अंदर, फिर इलसी और आटे को डाला जाएगा मिक्स करके, मिक्स किया हुआ है बस। अभी जो है ना इसको मिक्स किया जा रहा है घी के अंदर, फिर इसकी बनेगी चाशनी, चाशनी के अंदर इसको डाला जाएगा चीनी वाली। अच्छा जी अभी ना इसे उतार के रख दिया जाएगा अभी थोड़ी देर ना, फिर इसके बाद जो है ना चीनी और पानी के अंदर इसकी चाशनी बनाई जाएगी और इसके अंदर डाली जाएगी ताकि ये इसका जायका जो है ना वो मीठा हो सके। अभी जो है ना इलसी और आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसके अंदर अभी चाशनी और गरी वगैरह जो पड़ी हुई है वो डालेंगे इसके अंदर। अभी जो है ना ये खंड वाली चाशनी जो है ना वो तैयार हो रही है, चीनी वाली। ये जब तक तैयार होती है वेट कीजिए, फिर आपको दिखाते हैं चाशनी तैयार हो जाए, फिर इसके अंदर डालेंगे और गरी और किशमिश वगैरह डाल के फिर इसको तैयार किया जाएगा। अच्छा ये अभी चाशनी जो है ना वो बन चुकी है, चाशनी को इसके अंदर मिक्स करेंगे और ये जो है ना तैयार हो जाएगी फिर मुकम्मल। चाशनी को डाल के इसके अंदर फिर अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, अभी इसे मिक्स किया जाएगा। अच्छा जी इसे थोड़ी देर के लिए ना ऊपर चढ़ा रहे हैं क्योंकि ये होगी पतली थोड़ी सी। आ जल्दी वापस।
अल्हम्दुलिल्लाह जी व्यूअर्स, ये हो गया तैयार बिल्कुल माशाल्लाह से। अभी जो है ना इसका जो है ना मीठा वगैरह मीठा टेस्ट कर रहे हैं कि मीठा इसके अंदर पूरा है या नहीं है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी ना ये तैयार हो चुके हैं, अभी इनके ना पेड़े बनाए जा रहे हैं कैसे ताकि रखने के लिए ना। अभी ये खा रहा है, कैसी बनी है? गुड। अच्छा व्यूअर अभी जो है ना ये शय वगैरह जो है ना तैयार हो चुकी है कुछ इस तरह से, पेड़े बना के रख दिए थे हर किसी को बांटने के लिए। तो आज के ब्लॉग का जिक्र करते हैं यहीं पर एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नाफिस। हमने चेक कर लिया था, बेहतरीन बनी हुई थी तो खा के ना चेक कर लिया था। अभी ये थोड़ी देर सूखेगी, उसके बाद जो है ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे।